हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखा रही हूँ धोती पजामी। बहुत ही इजी है, कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों। तो ये 2 मीटर फैब्रिक है मेरे पास, जिसे मैंने 1 फोल्ड किया है और मैं इसे इस तरफ से यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करूँगी, हाफ फोल्ड। उधर से भी फोल्ड करूँगी और इस तरफ से, तो दोनों साइड से फोल्ड करना, हाफ हाफ फोल्ड। मैंने इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक फोल्ड कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड से भी करूँगी, तो लीजिए ये भी दूसरी साइड से कर देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है कि नीचे तो कॉर्नर मिलने चाहिए थोड़े से गैप के साथ, हल्का सा आधा इंच छोड़ के, और इस तरफ जो 3 इंच छोड़ के रखना है। तो देखिए इस तरीके से आपको सेट करना है फैब्रिक को, जो आपके नीचे का सलवार आएगा। तो यहाँ पे 3 इंच भी कर सकते हैं और 2 इंच भी। तो मैंने 3 इंच का लगभग छोड़ा है और नीचे कॉर्नर, तो नीचे कॉर्नर पे आप हल्का सा ओपन रखना 3 इंच तक से। अब देखिए लेंथ देख लीजिए, आपके नीचे पजामी से लेके कमर तक की कितनी लेंथ है, उसमें 2 इंच छोड़ दीजिएगा क्योंकि बेल्ट लगाएंगे। तो मैंने यहाँ मार्जिन दे दिया और इसी मार्जिन से उस कॉर्नर से लेके जो मार्जिन आपका आया है या फिर जो आपकी लेंथ है कमर की लेंथ, ये हमारी जो हमें लेंथ रखनी थी, आपकी जो सलवार की लेंथ हो वो रखिएगा। और कमर पे सिर्फ 2 इंच की बेल्ट लगा रहे हैं तो 2 इंच कम कर दीजिएगा, 4 इंच का बेल्ट लगा रहे हैं तो 4 इंच कम कीजिएगा। मुझे यहाँ पे पूरी लेंथ 42 चाहिए, तो मैंने 39+1 इंच दिया है, पूरा 40 का देंगे और 2 इंच की बेल्ट हो जाएगी। अब वहाँ ऊपर से लेंथ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नीचे 3 इंच ओपन रखना है और ऊपर क्रॉच एरिया देंगे। तो क्रॉच एरिया मैं 11 दे रही हूँ, आप 13 दीजिएगा हेल्दी के लिए, और पतले के लिए 11 दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच पे मार्जिन दिया है और 1 इंच से इनसाइड करके ये राउंड शेप हल्का सा देंगे और इस क्रॉच एरिया को कट कर लेंगे। तो मैं कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे जो ऊपर कपड़ा बचा हुआ था फैब्रिक, उसमें से आप बेल्ट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने करीब 2 इंच की, यानी कि 4 इंच का कपड़ा दिख रहा है, 2 इंच की निकलेगी क्योंकि फोल्ड हो जाएगा तो वो बेल्ट निकलेगी। और बेल्ट इतनी ढीली रख कि ईज़िली आप कमर पे एडजस्ट कर पाएँ। जैसे आपकी 28 कमर है तो आपको करीब 35 का कपड़ा लेना है बेल्ट का, और इलास्टिक लेनी है जितनी 28 है तो 26, यानी कि 2 इंच या 3 इंच कम लेनी होती है इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिक स्ट्रेचेबल होती है। अभी देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया, तो जो क्रॉच एरिया था वो आपको समझ में आ रहा है कि क्रॉच एरिया कैसा है। तो यहाँ पे जो जॉइंट था वो मैं कट कर लेती हूँ। जॉइंट को कट करने के बाद 2 पार्ट हो जाएंगे दोनों साइड के। डियर फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए ये अलग करने से पहले इन दोनों को स्टिच करना है। अगर आपका फैब्रिक 2 प्रिंट का है तो आप समझ लीजिएगा कि कैसे करना है स्टिच, लेकिन इसमें सेम प्रिंट है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले ये उल्टे फैब्रिक रख लिए हैं और उल्टा करके हम दोनों को स्टिच करेंगे। उल्टा करने के बाद मैं स्टिच कर चुकी हूँ। करने के बाद अब देखिए इसको मैं कैसे पलट दूँगी, पलटने के बाद आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको अभी 2 फैब्रिक 2 अलग अलग प्रिंट वाली फैब्रिक पे भी स्टिच करके एक बार धोती पजामी सिखाऊंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो मैंने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इसको एक बार सेट कर लेते हैं। तो मैंने दोनों साइड का आपको सेट करके 1 साइड कर लिया है। देखिए कैसे किया है, ये उस तरफ वाला जो फैब्रिक है वो यहाँ सेट करना है और इन साइड वाला फोल्ड करना है। फिर ऐसे इस तरह आप एक बार देख लीजिएगा, और फिर दूसरी साइड भी इस तरह। तो दोनों साइड के फैब्रिक सेट करके मार्जिन लगा लेना है आपको। इन साइड कितना फोल्ड किया है वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर छोटी छोटी पाइपिंग से लगाते हैं, या फिर आप फैब्रिक को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिएगा, 2 हल्का फोल्ड कीजिएगा आधा आधा इंच, जिससे कि थ्रेड नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग अच्छी आएगी, क्योंकि फैब्रिक जहाँ से कटा होता है वहाँ पे फोल्ड करके स्टिच करना होता है। तो ऑल साइड जितनी जगह आपका कटा हुआ फैब्रिक है उस जगह से आपको हल्का सा पाइपिंग या स्टिचिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने इसको हल्का सा फोल्ड किया है और फिर स्टिच कर लिया है। यहाँ पर देखिए जो स्टिच करते हैं हम, अगर हम आपको दिखा दूँ, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जब आप ऊपर की तरफ एक बार और स्टिच कर देंगे तो ये फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और कभी भी फटेगा नहीं। तो इसके ऊपर भी एक बार स्टिच कर दीजिएगा सेम फैब्रिक थ्रेड से, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए मैंने इसको ऊपर वाली को भी फोल्ड करना है मुझे, तो मैं वो भी कर लेती हूँ।
और यहाँ पर भी स्टिच करेंगे, और फिर स्टिच करने के बाद यहाँ एक लाइन खींच लेंगे जिससे कि आपको आराम से प्रॉब्लम नहीं होगी, मार्जिन पता चलेगा कि कहाँ तक रखना है। ये जो कमर पे इतना ढीला है वो वहाँ पे प्लेट्स हो जाएंगी। और ये देखिए इस तरीके से सेट करके इस जगह भी आप निशान लगा लीजिएगा, और यहाँ पे भी एक बार निशान लगा लीजिएगा डार्क चौक से, जिससे कि आपको पता चलेगा इतना एरिया ओपन रखना है, स्टिच नहीं करना है, बाकी यहाँ पे स्टिच करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डार्क चौक से निशान लगा लिया है, अब यहाँ पे स्टिच करना है मुझे, तो मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। सबसे पहले जो क्रॉच एरिया पे मैंने स्टिच किया था उसके ऊपर जब मैं स्टिच कर रही हूँ तो फिनिशिंग के लिए मैं कर रही हूँ, और ये फटेगा भी नहीं कभी, सिर्फ इसलिए। तो और जो दूसरी साइड है जो मैंने स्टिच करना था, जैसे जो आपकी धोती पजामी है उस पर, वहाँ पर भी स्टिच करना है, तो वो भी मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए ऑलमोस्ट मेरी स्टिचिंग हो चुकी है दोनों साइड, और ये देखिए दोनों के बीच में जो मैंने गैप किया था वो वही सेम आना चाहिए। ध्यान रखिएगा जब चौक से निशान लगाएं तब, कि ज़्यादा छोटा बड़ा ना हो जाए। जो क्रॉच एरिया पे मैंने जब ऊपर स्टिच कर दिया तो देखिए बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल आ रहा है। और यहाँ पर जो ओपन एरिया है यहाँ पर भी आपको कॉर्नर पर निशान लगाने हैं, क्योंकि जब आप प्लेट लगाएंगे तो आपको इक्वल प्लेट्स लगानी है। तो इक्वल प्लेट्स, जैसे आपको फोर फोर प्लेट्स आ रही तो फोर फोर कर लीजिए, नहीं तो थ्री थ्री लगा लीजिए, क्योंकि ना ज़्यादा छोटा हो जाए ना ज़्यादा बड़ा हो जाए, दोनों साइड सेम प्लेट्स लगानी है। फ्रंट पे इनसाइड की तरफ करते हैं और बैक में भी इनसाइड की तरफ करते हैं, बाहर की तरफ प्लेट्स नहीं डालते हैं। तो देखिए अब मैं आपको ये जो मैंने स्टिच किया है इसको भी दिखा देती हूँ, कि यहाँ पे फिनिशिंग के साथ मेरी स्टिच हो चुकी है। ये जो यहाँ पे फुल स्टॉप है लगाया, यहाँ पे स्टॉप लगा लीजिए जिससे कि ओपन नहीं होगा, फटेगा नहीं। और ये देखिए जो कॉर्नर है वहाँ पे अगर राउंड शेप देनी है तो आप राउंड शेप दीजिए, तो लेंथ आपको बढ़ानी होगी पहले से। यहाँ पे जहाँ स्टॉप लगाया था जहाँ तक ओपन रखना है वहाँ पर सेम मार्जिन लगा के ओपन रखना है, दूसरी साइड पर भी, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। ये डॉट्स लग गए हैं, अगर कभी डॉट्स किसी दूसरे रंग से लग जाते हैं तो आप सेम नेल पेंट लगा लीजिए तो सही हो जाएंगे। ये जो पट्टी है मैंने काटी थी 4 इंच की, इसको जब मैं फोल्ड करूँगी तो 2 इंच की हो जाएगी। तो दोनों साइड में आपको जो मार्जिन अपना लगा लीजिएगा, प्लेट्स कितनी कितनी रखनी है, और टोटली आपको फिर स्टिच करना होगा। तो मैं अब इनको भी स्टिच कर लेती हूँ। इलास्टिक का बता देती हूँ, इलास्टिक आप उतनी रखनी है, जैसे मान लीजिए जो भी आपकी कमर की है, जैसे मान लीजिए 32 है, तो 2-2 इंच आप उसकी लेंथ कम रखते हैं इलास्टिक की, क्योंकि इलास्टिक स्ट्रेचेबल होती है इसलिए उसको स्पेस चाहिए। इलास्टिक का कपड़ा मैंने सिल लिया है, जो इलास्टिक का फैब्रिक था वो मैंने सिल लिया है, ऊपर से आगे से सिला है क्योंकि फिनिशिंग अच्छी आएगी। फिर मैं इनसाइड किस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी वो भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए मैंने इनसाइड भी फ़ोल्ड किया है, तो बाहर से देखिए फिनिशिंग अच्छी आई, और जब मैंने उसको इनसाइड किया अंदर की तरफ प्लेट्स करके, और बाहर आगे की तरफ भी अंदर की तरफ, देखो प्लेट्स मैंने कैसे लगाई एक बार आप खुद ही समझ लीजिएगा, कि इनसाइड प्लेट्स ले जाते हैं आउटसाइड नहीं। अब ये देखिए मैं आपको दिखा दूं कि जो ये थ्रेड्स निकल रहे हैं ये छुप जाते हैं जब हम इस तरीके से स्टिच करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे ऐसे स्टिच करूँगी और थ्रेड्स छुपाती जाऊँगी, तो फिनिशिंग इस तरीके से आ जाएगी। अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए आपको ऐसे स्टिच करना होगा। मैं जो भी फैब्रिक स्टिच करती हूँ बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में स्टिच करती हूँ, जिससे कि थ्रेड्स बार बार ओपन ना हो। अब ये मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बेल्ट स्टिच करना है, तो जो मैंने बेल्ट स्टिच किया था उसमें एक साइड ओपन रखा था यहाँ पर फ्रंट पे, आप कहीं भी रख लीजिएगा। अगर आपको बेल्ट नाड़ा डालना होता है तो आप फ्रंट पे रखिएगा, अदरवाइज़ आप कहीं भी ओपन रखेंगे तो बेल्ट आसानी से अंदर चली जाएगी। मैंने इनसाइड कर ली है और स्टॉप भी लगा दिया है, यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अब जो ओपन एरिया है उसको मैं क्लोज़ कर दूँगी। एक बार पहन के देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा ढीला है तो और खोल के फिर से सही कर लीजिएगा। तो फाइनली मेरी धोती पजामी स्टिच हो चुकी है। ये देखिए ब्यूटीफुल सी धोती पजामी, ईजी भी है कटिंग और स्टिचिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। ये कुर्ती भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, जो मैंने फुल अम्ब्रेला कट कुर्ती के लिए ये धोती पजामी स्टिच की है, और ये सेकंड कुर्ती भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, आप देख लीजिएगा।